यहाँ पर चल रहा है फोन सर्चिंग ऑपरेशन। हेलो गाइस, आप मुझे जानते हो तो आज हम मम्मी ने फोन चुरा दिया, तो आज हम फोन ढूंढ रहे हैं अपना। और कहाँ ढूंढा जा रहा है कहाँ ढूंढा जा रहा है? किचन के डब्बे भी खोल के देख लिए, मिला नहीं अभी तक। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम पहुँच नहीं सकते? तुम्हारा दिमाग वहां पहुंच ही नहीं सकता जहां मैंने फोन छुपाया है। ऐसा नहीं, मैं तुम्हें नस-नस से वाकिफ हूं ना। तभी तो जानते थे तुम कहां कौन सी चीज छुपाती हो। तभी तो आधे घंटे से फोन ढूंढ रही है। हां, लैटिन में नहीं है। अरे लैटिन में भी फोन। अबे लैटिन तो छोड़ दे कम से कम। इसको नहीं टिक्की में मारेंगे। हाय हां, ढूंढो रे बालमा, ढूंढो रे बालमा, मोरे कान का बाला। आटे की टीन में ढूंढो, चावल के डब्बे में ढूंढो, सब जगह ढूंढो सब जगह। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इनका फोन जो है वो छुपा दिया है। और क्यों छुपा दिया है? इन लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था मुझे फ़ोन के लिए। जब देखो तब लड़ाई, इनका फ़ोन ही छुपा देते हैं। अब ये लोग ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कितना कामयाब होते हैं, इनको इनका फ़ोन मिलता है या नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमारी मेहनत सफल हो चुकी है और मम्मी को थोड़ा सा झटका लग गया क्योंकि ये फ़ोन हमें फ़ोन मिल चुका है। देखिए आप आओ कान लगा गाइस, ये फ़ोन यूं करके तो मम्मी ने फ़ोन यहाँ छुपाया हुआ था फोटो के जस्ट पीछे। अब वो हमें पता चल गया, हमें ढूंढ लिया, हमको मिल गया। ठाकुर साहब कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन ये क्या बवाल है? कांग्रेचुलेशन, लेट्स सेलिब्रेशन, कांग्रेचुलेशन भाई वाह, कैसे लाद दिया तुमने मुझे। तो गाइज, यहाँ पर बहुत अच्छी वाली जो खुशी है वो आई है आज हमारे घर में। तो कुछ अच्छा हुआ है और मेरे हस्बैंड की किसी में जीत हुई है, मतलब विक्ट्री। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है, और सेलिब्रेशन मतलब हमारा नहीं चल रहा है, जस्ट अभी घर पर आए थे और रात के बजे हुए हैं इस टाइम पे 11। तो यहाँ पर जो भी इनका स्वागत सत्कार वगैरह जो इनके फ्रेंड्स वगैरह ने किया था, वो सारी फूल मालाएं लाए थे साथ में, और इन्होंने वो सारी मेरे गले में डाल दी थी। फिर उसके बाद में हमने बेटे को पहना दिया, और जो भी इनके जो इनका सम्मान किया गया था वो इसको हमारे यहाँ सुहाफा बोलते हैं, जो कि सर पर बांधा जाता है जब किसी का सम्मान करते हैं। तो बस वही बेटे के सर पर भी बांधा जा रहा था क्योंकि उसको भी शौक चढ़ रहा था कि मेरे साथ भी मतलब मेरा भी ऐसे ही सम्मान किया जाए। और यहाँ पर फाइनली आ चुका है अक्षु का जो पार्सल है वो आया है। तो ये फ्लिपकार्ट से हमने ऑर्डर किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज ना मैं कुछ स्पेशल व्लॉग जो है आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। और आप देख सकते हो मैंने ना ये वाली साड़ी वेयर की है, तो ऐसे तो ये दिखाई नहीं देगी, मैं इसका पूरा लुक जो है वो आपको अभी दिखा देती हूँ। Thank you.
पूरा लुक। और ये वाले हेयर जो हैं वो वियर किए हैं मैंने, और ये मैंने पता है न्यू ही लिए हैं अभी, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं इस साड़ी के ऊपर। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये लुक साड़ी वाला कैसा लग रहा है आपको। और हम लोग ना आज कहीं घूमने जाने वाले हैं, और कहाँ कहाँ जाएंगे वो मैं ब्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे कुछ खुशियाँ जब लाइफ में आती हैं ना तो गॉड को थैंक्स बोलना चलता है और बनता भी है, तो इस वजह से हम जा रहे हैं गॉड को थैंक्स करने के लिए। तो कहाँ जाने वाले हैं आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ मैं, चलिए हमारे साथ हम आप सभी को लेकर चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, आज किसके दर्शन हम आपको कराने वाले हैं वो आपको पता चलेगा मेरे ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं। ये गाड़ी खड़ी हुई है नीचे अभी, और सामान वगैरह सब कुछ हमारा पैक हो चुका है, और अक्षु का वेट है बस, क्योंकि अक्षु अभी स्कूल से आई नहीं है। तो फ्रेंड्स अक्षु का कर रहे हैं हम लोग वेट, अक्षु अभी स्कूल से नहीं आई है और वो स्कूल से आ जाएगी, उसके बाद ही हम लोग वहाँ पर जाएंगे जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। तो आदि अभी बेचारा हम बाहर घूम घूम कर अक्षु का वेट कर रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, देख सकते हो आप कि बेचारा किस तरीके से ना बाहर रोड पर टहल रहा है कि कब आएगी बहन कब आएगी। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखो ऑरेंज टी शर्ट। तो भाई एक भाई अपनी बहन का वेट कर रहा है कि वो कब आएगी और कब हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। जैसे वो स्कूल से आ जाएगी ना उसके बाद वो रेडी हो जाएगी, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, और क्योंकि वो आएगी तो उसको भी तैयार होना है, और देखते हैं कब तक आती है। आ तो रही हूँ। तो यहाँ पर अक्षु जो है वो स्कूल से आ चुकी है और हम लोग आ चुके हैं बाहर। तो हम आए हैं भोले के मंदिर पर। जी हाँ, ये भोले का मंदिर जो है वो मेरे गांव में पड़ता है, मतलब मेरी ससुराल में। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर हम लोग ना भगवान जी को शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, जो उन्होंने हमें खुशी दी है उसके लिए हम उनको प्रसाद वगैरह मतलब लड्डू वगैरह चढ़ाने के लिए आए हैं, पूजा करने के लिए आए हैं विद फैमिली। तो अक्षु भी स्कूल से आ गई थी, तो उसको ना तुरंत रेडी करा के हम लोग यहाँ के लिए चल पड़े थे, और इसके बाद जाएंगे हम अपने घर मतलब ससुराल गांव में, जो मेरी ससुराल है वहाँ पर जाएंगे। मैं बता दूँ कि जो मेरा जो घर है, मेन घर जो मेरा है वो बाहर है सिटी में, हम लोग सिटी में रहते हैं, हम पांचों लोग, मेरी सास, मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे। और जो मेरी ससुराल है मतलब ददिया सास के यहाँ, तो वो गांव में है, और हम गांव के पास वाले मंदिर में ही आए हैं। और जो जहाँ मैं रहती हूँ वो भी पास में ही है, गांव भी मेरा पास में ही है, मतलब सब ना आस पास में ही है, तो ज़्यादा दूर हमें जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग यहीं पे मंदिर पे आए हैं, और इसके बाद हम जाने वाले हैं घर। तो चलिए बने रहिए पूरे व्लॉग में मेरे साथ। अभी हम आ चुके हैं अपने गांव वाले भोले बाबा के मंदिर पे, और यहाँ पर हम लोग आए हैं पूजा करने के लिए। तो आई होप आप सबने देखा होगा, और ये देखो फूल कितने ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये मैंने दिए लाके, आदि ने लाया है, और ये अक्षु की ड्रेस जो अभी अभी ऑनलाइन आई थी आप देख सकते हो, गोल्ड मेडल मिला था मुझे, तो गिफ्ट तो बनता ही था ना। बहुत प्रिटी ड्रेस है और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है इसके ऊपर। क्या कर रही हो, इसमें कांटे हैं मम्मी, लग जाएंगे। तो आज हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, और बहुत कहीं और भी जाने वाले हैं यहाँ से। तो वीडियो बनाऊंगी मैं, सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगी, और इंजॉय कीजिएगा खूब। हम जहाँ जहाँ जाने वाले हैं अकेले नहीं जाएंगे, आप सबको साथ में ही लेके जाएंगे, तो चलिए हमारे साथ। और ये है हमारे भोले का व्यू, आप देख सकते हो कितना शांत वातावरण है आज यहाँ पर, क्योंकि कोई भी नहीं है आज यहाँ पे, बहुत शांति का वातावरण है। और आप देख सकते हो बेहड़ है पूरा का पूरा ना, बेहड़ जंगल, मतलब जंगली एरिया है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा शांति, हरियाली ही हरियाली चारों तरफ। तो फाइनली गाइज हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं, और आगे का पार्ट मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी, और कहां कहां जाएंगे वहां सभी जगह आपको लेकर चलेंगे। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।